हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल देसी डिजाइन में। आज मैं बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत गेट पर्दा तोरण का डिजाइन लाई हूँ। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बनाई हूँ। इस तोरण को मैं 3 कलर के ऊन से बनाई हूँ, रेड, ग्रीन और वाइट से। सबसे पहले मैं तोरण पट्टी बना रही हूँ, तो तोरण पट्टी बनाने के लिए मैं 10 चेन बनाऊँगी। तो एक पहले गांठ लगा ले रही हूँ धागे में, और मैं 10 यहाँ पे चेन बना रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए यहाँ पे 10 हो गया। अब 2 चेन एक्स्ट्रा मैं बना रही हूँ डबल क्रोशिया के लिए। अब मैं सारे चेन में एक एक सारे 10 चेन में 10 डबल क्रोशिया मैं बनाऊँगी। देखिए अब मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया मैं बना ली, अब मैं दूसरा बना रही हूँ। देखिए मैं इसी तरह से सारे चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब पीछे से 2 चेन बनाकर और फिर से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया बनाकर और बीच में मैं बीच का डिज़ाइन बनाकर बता रही हूँ। बीच में मैं 5 डबल क्रोशिया पहले बनाकर देखिए मैं बना रही हूँ 5, और बीच वाले डबल क्रोशिया में मैं पम्पम बनाऊँगी। पहले 2 चेन में ले रही हूँ, इसके बाद मैं बीच वाले चेन में 10 बार मैं पम्पम बनाऊँगी। 10 बार धागे को लेकर देखिए यहाँ पे मैं 10 बार धागे को ले रही हूँ, बुन नहीं रही हूँ, इसी तरह लेकर और पम्पम बनाऊँगी। इसके बाद मैं बुन एक चेन बना दे रही हूँ उसमें। देखिए एक बन गया पम्पम मेरा। अब दूसरा पम्पम इसी तरह से 2 चेन बुन कर और फिर पम्पम मैं दूसरा पम्पम बना रही हूँ। उसी तरह से 10 चेन 10 मैं 10 बार धागे को उसमें ले जा रही हूँ, और उसके बाद मैं एक चेन ऊपर लगा दूँगी तो हमारा पम्पम बन जाएगा। देखिए हमारा दोनों डिजाइन बन गया बीच का तोरण पट्टी का। अब मैं 2 चेन बनाकर और फिर से 5 डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। थ्री बन गया, 4, देखिए यहाँ पे। अब मैं पीछे से फिर से 2 चेन बनाकर और बुन रही हूँ। वन टू 2 चेन बनाकर और फिर यहाँ पे मैं उसी तरह से पम्पम बना रही हूँ। 10 बार धागे को मैं ले जा रही हूँ और लास्ट में एक चेन ऊपर बनाकर मैं लॉक कर दूँगी। देखिए मैं लॉक करती, अब मैं 2 चेन बनाऊँगी यहाँ पे और फिर देखिए बन गया इतना। अब मैं फिर 2 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए मैं इतना बना दी। सेवन मैं पम्पम 7 तोरण पट्टी का डिजाइन में बनाकर और इसके बाद से मैं इसमें फ्लावर बनाऊंगी।
तो देखिए मैं फ्लावर के लिए बुन रही हूँ। पहले मैं 5 डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें हरा कलर जोड़ूँगी। ग्रीन धागे को मैं जोड़ ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक नोट लगा ली हूँ और इसमें मैं जोड़ ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाकर और मैं फिर से यहाँ पे 10 बार धागे को इसमें मैं ले जाऊँगी। इसके बाद मैं लॉक कर दे रही हूँ। फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी यहाँ पे और सिंगल क्रोशिया से इसमें लॉक करूँगी। अब मैं इसे कैंची की मदद से इस तरह से काटती रही हूँ और पीछे से मैं धागे को सेट कर दे रही हूँ। देखिए धागे को मैं सेट कर दी और जो धागा बचा है उसे मैं काटती रही हूँ। देखिए हमारा ग्रीन कलर से फ्लावर का बन गया डिजाइन। अब मैं इसे फिर से 5 इधर का वाइट ऊन से यहाँ पे मैं 5 चेन बनाकर और इधर से मैं 5 डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। देखिए हमारा बन गया। इसके बाद से फिर मैं जो 5 चेन बनाई थी उसमें मैं पम बना ले रही हूँ और उसके बाद मैं बता रही हूँ बुनकर। देखिए 2 चेन बनाकर और डबल क्रोशिया मैं बुन रही हूँ। 5 डबल क्रोशिया। देखिए ऊपर मैं 7 डिजाइन बना दी। अब मैं रेड ऊन से लाल ऊन से मैं फ्लावर को बुनकर दिखा रही हूँ। तो मैं रेड ऊन में एक गांठ लगा ली हूँ और अब मैं धागे को जोड़ रही हूँ। जो 3 चेन बनाई थी उसी में मैं धागे को लॉक कर रही हूँ, जोड़ दे रही हूँ। और यहाँ पर भी 3 चेन मैं बनाकर और डबल क्रोशिया यहाँ पर भी मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 डबल क्रोशिया मैं बना ली। 8 और यहाँ पर मैं 3 चेन बनाकर और इसमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। और आप अपने पसंद से 7, 8, 9 यहाँ पे डबल क्रोशिया जितने बड़ा आपको फ्लावर बनाना होगा आप बना सकते हैं। तो मैं 8 रख रही हूँ यहाँ पे और यहाँ पर भी मैं 8 डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। और इसके बाद से लॉक कर दूँगी। अब मैं 3 चेन बनाकर और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे लॉक कर दे रही हूँ। फिर 3 चेन बनाकर
और फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया, सभी जगह मैं 8 8 डबल क्रोशिया बना रही हूँ तीनों पंखुड़िया में। देखिए बन गया 8। अब मैं 3 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी। देखिए हमारा तीनों पंखुड़ी फ्लावर का बन गया। अब मैं धागे को कैंची के मदद से काट दूँगी और पीछे मैं धागे को सेट कर दे रही हूँ। देखिए और एक्स्ट्रा ऊन को मैं कट कर दे रही हूँ। देखिए हमारा फ्लावर बन गया। इसी तरह से मैं पूरे तोरण पट्टी को बनाई हूँ। देखिए मैं अब दिखा रही हूँ। देखिए हमारा तोरण पट्टी पूरा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें आगे के डिजाइन बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 11 11 यहाँ पे मैं लाइन लड़िया इस तरह का बनाई हूँ और इधर भी मैं 11 बनाऊँगी। तो देखिए मैं धागे को यहाँ पे मैं जोड़ ले रही हूँ। जोड़ कर और 3 चेन बनाकर मैं यहाँ पे फिर से पम्पम बना रही हूँ। यहाँ से मैं 10 बार धागे को ले रही हूँ। देखिए अब मैं लॉक कर दे रही हूँ सारे धागे को। अब मैं यहाँ पे 2 2 चेन बनाकर और मैं फिर से 10 बार धागे को इस तरह से ले रही हूँ। और दस बार लेकर इस तरह से धागे को और मैं लॉक कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं 8 चेन बनाई हूँ। 8 चेन बनाकर और डबल क्रोशिया 1 2 3 छोड़कर और 4th वाले में मैं फिर से इस तरह का पम्पम बना रही हूँ। देखिए 3 तोरण पट्टी का डबल क्रोशिया छोड़कर और 4th वाले में मैं पम्पम देखिए 10 बार फिर से उस तरह से बुन ले रही हूँ। और सारे इसी तरह से मैं 11 इसमें इसी तरह से पम्पम 2 2 बना ले रही हूँ। देखिए मैं फिर से 10 बार पम्पम को बुन रही हूँ, धागे को ले रही हूँ। लॉक कर दी। अब मैं यहाँ पे 8 चेन बनाऊँगी। 3 4 5 6 7 8 देखिए यहाँ पे अब मैं 3 1 2 3 छोड़कर और 4th वाले में फिर से मैं यहाँ पे पम्पम देखिए मैं 11 11 यहाँ पे मैं पम्पम बना ली हूँ। अब मैं यहाँ से पीछे से मैं फिर से बनाकर और दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन बना रही हूँ और फिर से मैं यहाँ पे पम्पम बनाऊंगी पीछे की साइड से। यहाँ पे मैं 3 बार पम्पम बनाऊंगी और उसके बाद से फ्लावर बनाकर बताऊंगी। देखिए यहाँ पे
मैं पहले की तरह पम्पम बना रही हूँ। दस बार धागे को लेकर लॉक कर दी और यहाँ पे मैं एट चेन बनाकर और फिर उसमें पम्पम बनाऊँगी। फिर इसमें मैं पम्पम को 10 बार बना रही हूँ, 10 बार धागे को ले रही हूँ। देखिए 3 बार मैं पम्पम बना ली। अब मैं इसमें हरा कलर से फ्लावर का डिजाइन बनाकर बता रही हूँ। पहले मैं धागे को व्हाइट वाले धागे को कट कर दे रही हूँ कैंची के मदद से। उसके बाद मैं धागे को पीछे की तरफ सेट कर दे रही हूँ। देखिए सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे हरा ऊन जोड़ ली हूँ देखिए, और 3 चेन बनाऊँगी 1 2 3। और फिर मैं 10 बार इसमें मैं धागे को ले रही हूँ, पम्पम बना रही हूँ। अब मैं सारे धागे को लॉक कर दे रही हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी 1 2 3। इसके बाद मैं सिंगल क्रोशिए से इसको यहाँ पर लॉक कर दूँगी। देखिए मैं लॉक कर दी। अब मैं यहाँ पे 8 चेन बनाऊँगी उसके बराबर, वाइट वाले के बराबर, और 8 चेन बनाकर फिर से मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए सिंगल क्रोशिया और 3 चेन 1 2 3 चेन बनाकर, और फिर से मैं 10 बार धागे को ले रही हूँ पम्पम के लिए। और देखिए मैं लॉक करके 3 चेन बनाकर और फिर से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी। इसी तरह से मैं सारे में इस तरह से डिजाइन को बना ले रही हूँ और धागे को मैं लॉक कर दे रही हूँ पीछे से। और देखिए मैं अब लाल ऊन से, रेड ऊन से इसे मैं फ्लावर का पंखुड़ी बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं पहले जोड़ ले रही हूँ धागे को, लाल ऊन को जोड़ ले रही हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी 1 2 3, और यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी जिस तरह तुरंत पट्टी में मैं बताई थी उसी तरह से। तो मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया। आप अपने पसंद से 8 7 9 भी बना सकती हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया। और यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाकर और सिंगल क्रोशिया से लॉक करके फिर 3 चेन बनाकर और फिर से मैं 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैं बनाऊँगी। देखिए मैं यहाँ पे बना ली। अब मैं 3 चेन बनाकर और लॉक कर दे रही हूँ और फिर से मैं 3 चेन बनाकर और फिर से मैं 8 डबल क्रोशिया तीसरे पंखुड़ी के लिए बना ले रही हूँ। इसी तरह से मैं जितना हरा कलर से बुनी हूँ पम्पम बनाई हूँ उसमें सभी में मैं फ्लावर बनाऊँगी। देखिए 3 चेन बनाकर मैं लॉक कर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं 8 चेन बनाऊँगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8।
देखिए 8 बनाकर और यहाँ पे मैं चेन बनाई थी 3, वहीं पे मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और फिर से मैं 8 यहाँ पे पंखुड़ी बनाऊँगी। और सारे मैं हारे वाले बुनी हूँ पम, उसमें मैं फ्लावर को बना ली हूँ देखिए। और अब मैं धागे को काट कर सेट कर दे रही हूँ। इसके बाद से मैं आगे की डिजाइन को बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं सेट कर दे रही हूँ धागे को। इसके बाद से मैं वाइट ऊन से एक फ्लावर वहाँ पे मैं बनाई हूँ यहाँ पे देखिए। तो एक फ्लावर छोड़ कर और देखिए यहाँ से मैं धागे को वाइट वाले ऊन को मैं जोड़ रही हूँ। और दोनों तरफ से एक एक फ्लावर छोड़ कर घटाते हुए मैं डिजाइन को बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 चेन बना कर और पम बना रही हूँ। देखिए एक फ्लावर को मैं छोड़ दे रही हूँ और इधर से भी दोनों तरफ से एक एक फ्लावर छोड़ते जाऊँगी। और इसी तरह से पूरे तोरण को मैं तैयार की हूँ। तो मैं देखिए बनाकर दिखा रही हूँ 10 बार मैं धागे को लेकर और यहाँ पे लॉक कर दे रही हूँ। और 2 चेन बनाकर फिर से मैं 10 बार धागे को लेकर और पम बना रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे तोरण पट्टी को बनाई हूँ। देखिए हमारा एक बन गया। देखिए इसी तरह से मैं सारे को बुन ले रही हूँ सारे में और दोनों तरफ से एक एक फ्लावर छोड़ छोड़ कर मैं देखिए यहाँ पे 3 बनाकर और इसके बाद 3 बुन कर 3 पम बना ली हूँ। इसके बाद से हरा कलर से मैं पम बनाऊँगी और पम बनाकर देखिए मैं बुन ली हूँ। देखिए एक एक दोनों तरफ से घटा घटा कर इसी तरह से पूरे मैं तुरंत को तैयार करके अब मैं यहाँ पे 30 बार मैं धागे को अपने हाथों में लपेट कर और इस झालर को बना रही हूँ। और देखिए मैं अब कैंची की मदद से इसे काटती रही हूँ और अब मैं इसे सुई के मदद से लगाकर दिखा रही हूँ। देखिए मैं लगा दे रही हूँ और धागे को कट नहीं करूँगी और नीचे से फिर दूसरे वाले पम्पम में मैं धागे को ले जा रही हूँ और फिर दूसरा वहाँ पे मैं झालर को लगाऊँगी। तो मैं लगा कर इसी तरह से दिखा रही हूँ। देखिए मैं लास्ट वाले में अब मैं लगा कर दिखा रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे झालर को लगा ली हूँ और एक एक घटा कर मैं देखिए सारे फ्लावर को बनाई हूँ एक एक घटाते हुए एक दोनों तरफ से एक एक घटाते हुए। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स ये हमारा गेट पर्दा तोरण पूरा बन गया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।